कुछ बातें मैं अभी यहाँ नहीं बोल पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें चल रही हैं। किस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ उस गति के साथ मिलो ना। लोग तो अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढते रहते हैं, हमें अवसर मिल जाए, हमें अवसर मिल जाए। जिनको अवसर मिला है वो सोए पड़े हैं। जैसे बहुत से हमने देखा है, किसान बाप के पास में 100 एकड़ जमीन है और बेटा जो है दारू पी के चारपाई पर पड़ा रहता है। बाप बहुत बड़ा नेता था, माँ बहुत बड़ी नेत्री थी, जो भी दादा दादी थे, और बेटा जो है ऐसे बावड़े की तरह घूम रहा है। भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, लोग शैक्षणिक दृष्टि से, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से अवसर ढूंढते रहते हैं। अरे आपको सब कुछ थाली में परोस करके दे रखा है, अरे हाथ से उठा करके खा तो लो, इतना तो किया हुआ। अभी केशकांति शैंपू, केशकांति तेल, ये हालत है आज हेयर ऑयल की इंडस्ट्री में। जब से हमने मिनरल ऑयल की पूरी पोल खोली है तो पूरे देश में तहलका हुआ मचा पड़ा है। सब अपने अपना, जिसको भी देखो अपने अपने हेयर ऑयल चेक कर रहे हैं, अरे मेरे में मिनरल ऑयल तो नहीं है, ये तो NCBI की रिपोर्ट है, इससे तो कैंसर होता है, तो चोर खरगोशों पर प्रयोग हो चुका है। सब NCBI की वेबसाइट के उसके लाइक्स पहले लाखों में थे, अब करोड़ों में हो गए। जिसको देखो NCBI की रिपोर्ट पूरी खोल के देखो, अरे ये तो बड़ा भयंकर है। तेल बेचते हैं अब 400-500 रुपए लीटर, और वो जो मिनरल ऑयल होता है वो होता है 30 रुपए लीटर। और चला कैसे, बालों को बाउंसी बाउंसी दिखाने के चक्कर में कि तेल लगे और चिकनाई भी ना हो, दूध में मलाई ना हो और तेल में चिकनाई ना हो, तो इसका मतलब घोटाला है। तेल में चिकनाई ना हो, वो मिनरल ऑयल, मिनरल ये तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जैसे पेट्रोल को, डीजल को आप थोड़ी देर ऐसे ग्लास में डाल के रख दो उड़ जाएगा, तो ऐसे वो जो वो ये यही है। मैंने एक दो बार, क्योंकि मैं तो सारा टेस्टिंग करके देखता हूँ, ये मिनरल ऑयल करीब 80-90% होता है, जितने भी आंवला हेयर ऑयल, ये हेयर ऑयल, वो हेयर ऑयल, किसी का नाम नहीं लेता मैं कंपनी का, और उसमें तो ज्यादातर देसी कंपनी। वो तेल लगा लो ना तो बाल ऐसे हो जाते बेकार बेकार से। केशकांति तेल, केशकांति शैम्पू, अपना डिटर्जेंट पाउडर, चाहे वो पॉपुलर है, चाहे सुपीरियर है या प्रीमियम है, विदेशी कंपनियों से 5 रुपए से लेकर के और 50 रुपए तक सस्ता है। जब प्रीमियम तक जाते हैं 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक सस्ता, हाथ भी खराब नहीं तो कपड़े भी खराब नहीं होते, उसका फिल्म भी ऐसी बनाई है, आपने देखी है वो है? और उसके बाद हाथों को मिला कोमलता का उपहार, पूरा पतंजलि सुपर डिशवाश बार, कितना जबरदस्त है वो। ये इतने बढ़िया बढ़िया चीजें, एलोवेरा जेल है, हनी है। अब हनी में कौन खरीदेगा, कोई पागल है क्या लोग? वैसे ही अभी लोगों के पास में कैश का क्राइसिस है, हम दे रहे 70 रुपए का और दूसरी कंपनी दे रही 125-30 और 150 रुपए तक बेच रहे हैं, कुछ तो बड़े शातिर लुटेरे हैं। लोग समझदार हैं, और हमने कहा 100 से ज्यादा पैरामीटर्स पर, और FSSAI ने दुनिया के हर पैरामीटर पर पतंजलि हनी सबसे खरा है, तो लोग अपने आप ही माने दूसरे ब्रांड करीब करीब बाजार से गायब हो रहे हैं। आप इतना तो कर लो, कम से कम दुकानदार तक पहुंचा तो दो, इतना ही तो मदद कर दो। तुम ले जाकर के वही 50 दुकानों पर रख देते हो, तुम्हारे इलाके के अंदर यदि 500 दुकान है तो 50 दुकानों पर हनी है। अभी जो है 450 है, 400 दुकानों पर नहीं है, करना पड़ेगा आपको। तो ये हनी, अभी हनी हमारा 100 टन अभी हम पैक कर रहे हैं, और प्रामाणिकता के साथ हर बैच का टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद टेस्टिंग करते हैं। आओ मैंने कहा मैदान में, हमको पता है पतंजलि के हर दिन कम से कम 100 सैंपल उठते हैं, लेकिन एक भी पतंजलि का कोई सैंपल जो है किसी कसौटी पर, किसी भी प्रांत में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की सरकारें, अलग अलग तरह के अधिकारी है, लेकिन कहीं पर कोई सैंपल फेल हुआ? ये बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य घटना नहीं है, ये पतंजलि हनी है। इसी तरह से जितने भी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की, पतंजलि के अब लोग जो है ना केमिकल वाली चीज़ों से उब चुके हैं, नेचुरल, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, सारी चीज़ें। एलोवेरा जूस पहले 4 महीने से हाय हाय मची हुई थी, 6 महीने से करीब एलोवेरा जूस नहीं है जी, एलोवेरा जूस नहीं है। अब आ गया तो अब जो है बस बैठ गए उसको, अरे आंवला भी भर देंगे तेरे कोठे भर देंगे, अभी तो आया है,
अभी दिसंबर के अभी क्या हुआ, इस बार आंवला जो उसमें जब तक पक्का नहीं आता है तब उसमें विटामिन सी पूरा नहीं होता और गाढ़ापन नहीं आता उसके अंदर। तो अभी जो आंवला आया है अभी 15 दिसंबर तक सबके गोदाम आंवला से भर देंगे, सबको मिलेगा। अभी बिस्किट भी आपको पूरा मिल रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी पूरा मिल रहे हैं, चावल के 18 वेरिएंट लॉन्च हो गए हैं, तेल के अभी 7 वेरिएंट हो जाएंगे मस्टर्ड सहित। शिशु केयर सौंदर्य का जो अपना प्रीमियम ब्रांड है ब्यूटी का, अभी बहुत जल्दी ही बादाम रोगन अभी तो मिल ही रहा है, इसको भी बड़े रूप में लॉन्च कर रहे हैं। शुद्धि चूर्ण अभी इस महीने के अंत तक आ जाएगा, अगले दिसंबर के अंत तक जो है ये पेट साफ करने वाले पहले तो कुछ चूर्ण थे ही। इसके अलावा दूध का पाउडर मिल रहा है अभी, अरे मिल रहा है, जहां और जरूरत है वहां मिल जाएगा अभी। पूरा रोज करीब 50 टन प्रतिदिन गाय का शुद्ध दूध का पाउडर। देखो क्या होता है, लोग दूध में मिलावट से इतने परेशान रहते हैं और दूध खराब भी हो जाता है। इसमें कभी भी दूध में को गर्म पानी में डालो, दही बनाओ, दूध बनाओ, घी बनाओ, मक्खन बनाओ, कुछ भी करो, फुल फैट का है। दूध का पाउडर पावर वीटा भी मिलना शुरू हो गया, अभी आ गया उसके पाउच, अभी और भिजवा दे रहे हैं जो है अभी पाउच के लिए मैंने इसको। इसी तरह से टमाटो कैचअप भी आ गया, गोनाइल भी पहुंच गया है सब जगह। अभी एक एक चीज को हम कैसे प्लान कर रहे हैं, अगले साल तक 5 लाख लीटर प्रतिदिन, 5 लाख बोतल प्रतिदिन हम गोनाइल भरने वाले हैं और करीब 5 लाख गाय उससे बचेंगी, खाली गोनाइल से 5 लाख गाय गोमाता। हमने स्लोगन दिया है केमिकल से बने फिनाइल से कब तक अपने जो है फर्श को साफ करते रहोगे, केमिकल से बने फिनाइल को छोड़िए, गोनाइल अपनाइए और गोमाता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए। ये स्लोगन दिया हमने, बहुत बड़ा अभी ये चल रहा। आप लोग चीजों को समझो तो करो तो। स्वासारी जो है कफ सिरप है कि ये तो मैंने कुछ बड़ी एड कैंपेन की आपको बात की, कुछ हमने कॉरपोरेट एड कैंपेन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कॉरपोरेट एड कैंपेन। कॉरपोरेट एड कैंपेन उसको कहते हैं जिसमें हमारे पतंजलि बेवरेजेस, पतंजलि नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, होम केयर, सारा कुछ उसके अंदर एक एड फिल्म में आ जाता है। बहुत तरह से सारे दुनिया के एड गुरु, मार्केटिंग गुरु, मैनेजमेंट गुरु सब परेशान हैं, ये बाबा की स्ट्रेटेजी कौन बनाता है। मैंने कहा जितने ना पता लगे उतना ही अच्छा है, यही तो रहस्य है। और ये काम इतना बड़ा हो रहा है, अब बताओ अब इसमें देखो आपको बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। स्पीड स्पीड यदि नहीं है तो फिर जीते किसके लिए हो भाई। ऐसे बताओ बच्चे को दौड़ के अच्छा लगता है खराब लगता है, बच्चों को पकड़ना पड़ता है, दौड़ते रहते हैं हम। अभी भी सुबह सुबह रोज उठ के दौड़ते हैं 4-5 किलोमीटर। रफ्तार तो बच्चों को इतनी पसंद है, पहली बार जब हिंदुस्तान में वो कौन सा फार्मूला 1 रेस हुई तो लोग एक पता नहीं 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का टिकट हो भी, 1-1 लाख रुपए का टिकट लेने के खाली रफ्तार देखने गए थे। अरे ऐसी रफ्तार से पतंजलि को दौड़ाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी रफ्तार देखती रहे कि कैसे आप पतंजलि दौड़ रहा है। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बात ये इसके लिए मीटिंग रखिए। बड़े बड़े जो है भाषण दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। अरे भाई सीधी सी बात है, अरे हम गाँव में पैदा हुए, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, हमने किसी से बिजनेस सीखा क्या, हमको तो बिजनेस का कहते ना ABCD भी नहीं आती थी, कक्खा नहीं आता था। जब एक योग करने वाला उद्योग के आपको वो सूत्र बता सकता है और उसको धरती पर उतार सकता है, अरे आप तो कम से कम अपने आस पड़ोस में बिजनेस व्यापार देखते हो। हम जब आपको इतनी सी बात कह रहे हैं कि भाई हौसला करके आगे बढ़ो तो सही। और अब मैंने कहा अब सुन लो, सब 7 दिन के अंदर अंदर ये काम करने पड़ेंगे, खाली 7 दिन का टाइम है, और अभी नहीं तो
जोर जोर से तो बोलो। कुछ तो ऐसे मुंह बंद करके बैठे हैं, बाबा आप तो संकट में आ गए। संकट में आदमी समझता है, जब तक आदमी के सिर के ऊपर गोला बम पटाखा नहीं छुड़े ना, तब तक उसको अकल आती ही नहीं है। आदमी हमेशा हमेशा आदमी संकट के समय काम करता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सिर पर संकट आए। अब अपने अपनी डायरी निकाल लो और ये कार्रवाई शुरू हो रही है। 7 दिन में आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक बात, कल से आपको इन्वेंट्री, ये कल से करना है। जो आपकी इन्वेंट्री का जितने भी यहाँ पर CNF बैठे हैं, जितने भी हमारे SD बैठे हैं, आपको आपका पूरा स्टॉक मंगाएंगे। और स्टॉक इन्वेंट्री नहीं है तो उतना आपसे पैसा मंगा करके आपके पास कल से सामान भेजना शुरू करेंगे। उसमें यदि किसी भी कारण से कोई कहता है जी इसमें सैप में प्रॉब्लम आ गई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो फिजिकल तरीके से उसको डील किया जाएगा। और ये भी याद रख लो, ये जो पूरा टेक्निकल ही आपको अपग्रेड करना है अपने आप को, क्या DMS सिस्टम, तो DMS सिस्टम जो है वो जिनका नहीं भी है उनको अभी अपने को DMS सिस्टम को भी 100% आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो 1 जनवरी से तो बिलिंग आपकी होगी ही नहीं, आप आउट ऑफ रेस हो जाओगे। करना पड़ेगा, नहीं तो कोई चारा नहीं है। और 1 तारीख तक अपना आपको अवसर दिया जा रहा है, 1 महीने का बहुत बड़ा अवसर है। इससे पहले सारी ट्रेनिंग भी आपको दी गई है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें कुछ भूल चूक भी हुई है, कुछ आपकी तरफ से भूल हुई है, कुछ हरिद्वार की तरफ से भी भूल हुई है, कुछ CNF की तरफ से भी भूल हुई है। SD वाले तो हमारे अभी 18वीं शताब्दी की तरह कभी कभी देर से जागते हैं। आप लोगों को समझदार होना पड़ेगा। तो कल से आपको ये DMS सिस्टम के ऊपर काम करने की आदत को डालना पड़ेगा। सारों के लिए है बात। अगली बात जो है उपलब्धता, ये जो है आपको क्या दिक्कत है भाई इसमें, जब आपके पास में सामान पूरा है, गोदाम पूरा है, यदि विकल्प पूरे हैं, सेल्समैन पूरे हैं, तो 7 दिन के अंदर आप 100% उपलब्धता कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो प्रश्न है हमारा, अब इसको कहते कहते 4 महीने हो गए। अरे भाई ये जो विदेशी कंपनियां हमसे ताकतवर कहीं दिखती हैं, तो क्या कारण है उसका? खाली एक छोटा सा खाली उपलब्धता वाली बात। पतंजलि के प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल नहीं है, वो गांव गांव तक घुसे हुए हैं, गली कुचों में घुसे हुए हैं। एक आदमी जाता है सीधा सीधा पूछता है, दंत का है, केश कांति है, पतंजलि का बिस्किट है, 10 प्रोडक्ट मांगता हूं जाकर के, 2 मिलते हैं उसको। जो एक वीट प्लान बनाया जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का कितने दिन का होता है जी? 6 दिन का। 7वें दिन भी कोई काम करता है क्या? चलो अच्छी बात है। 6 दिन में आपकी वीट प्लान कवर होती है कि नहीं होती जी अनिल जी? क्यों जी अखिल जी? 6 दिन में वीट प्लान कवर होती है। तो 6 दिन में जो वीट प्लान करते हो, तो ये जो मुंह देख के टीका क्यों करते हो? 100 रुपये का सामान लेगा तो नहीं दूंगा, 500 का लेगा तो नहीं दूंगा, 1000 का लेगा तो दूंगा, 5000 का लेगा तो दूंगा, 10000 का लेगा तो राजी होके तेरे पड़ोस के 2 दुकानों पर और नहीं दूंगा जिससे तेरा ही बिके। ये कार्यक्रम बंद करो, क्योंकि उसके पड़ोस की दुकान पर भी तो ग्राहक आ रहा है, वो भी अपने से प्रेम करता है। आप लोग ये जो है 100 रुपये वाला लेगा तो नहीं दूंगा, 500 वाला देगा तो थोड़ा दे देता हूँ, चलो उधार लेगा तो नहीं दूंगा, नगद लेता है तो दे दूंगा चलो, और यदि 5000-10000 का लेता है तो तेरे आस पड़ोस की 10 दुकानों पर नहीं दूंगा, तू ही ले ले। इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आपको जो मैंने बात बताई है समझ में आई? बोल बाबा जी आप कैसे देखते हो, मैं तुम्हारी आंखों से देखता हूं। आप लोगों को इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो देखो, युद्ध की रणनीति हमेशा अपने दुश्मन के आधार पर तैयार की जाती है। जब जिन जो हमारा ये आर्थिक आजादी का अभियान जिन देश के दुश्मनों के खिलाफ है, वो जब देश की 25 करोड़ दुकानों के ऊपर हैं और डायरेक्ट उनकी अप्रोच जो है वो 50 लाख दुकानों पर है, इनडायरेक्ट अप्रोच उनकी 1 से 1.25 लाख दुकानों पर है, और 2-3 ब्रांडों की मिलाकर के, क्योंकि किसी भी एक ब्रांड के इतने प्रोडक्ट नहीं जितने पतंजलि के,
कोई भी ब्रांड आप देख लो, कोलगेट का कितने ब्रांड है जी, मुख्य ब्रांड एक है टूथपेस्ट, बाकी और छोटे पुटर दो है, चार पांच होंगे, 15 होंगे, सारे आइसक्रीम मिला करके 15 हैं भाई। नेस्ले के कितने, यूनिलीवर के कितने, पीएनजी के कितने, और देसी कंपनियां देख लो उनके कितने, कोई भी कंपनी के सब मिला करके अपना जिस तरह से हम फूड से लेकर के बेवरेजेस से लेकर के नेचुरल जो है सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर के होम केयर से लेकर के डेयरी से लेकर के इतना बड़ा अम्ब्रेला है, वो चीज़ें हमारी 125,000 दुकानों तक पहुंचनी चाहिए। अभी आप लोग जहां खड़े हों वो यात्रा का प्रारंभ मात्र है। आप ठीक तरीके से काम करोगे तो आपको दो व्हीकल रखने ही पड़ेंगे एक वर्टिकल के ऊपर, दो सेल्समैन, गोदाम, इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर आपको, इन्वेस्टमेंट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के इन्वॉल्वमेंट से, ये तीन जो बड़े बिंदु आपके सामने भाई अखिल जी ने रखे हैं उनको 100% फुलफिल करना पड़ेगा। आपको 7 दिन से 10 दिन के अंदर आपके रिपोर्ट ली जाएगी। अभी हमारे जितने भी हमारे RM, ZM, ASM से लेकर के SO तक आपके इलाके के अंदर, अब ये जो है ये ऑर्डर लेने का काम नहीं करेंगे, ये चेक करने का ही काम करेंगे अभी आने वाले 2-3 महीनों तक कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, आपकी कवरेज कितनी है, आपके सारे के सारे ये जो तीन बिंदु बताए पूरे हुए कि नहीं हुए। तो 7 दिन के अंदर आपको तीन बिंदु, पहले इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वॉल्वमेंट पहला, दूसरा 7 से 10 दिनों के अंदर जब पहला हो गया तो दूसरा तो अपने आप ही होगा, आपकी अवेलेबिलिटी वाला प्रश्न है, उपलब्धता वाला प्रश्न है, वो पूरा होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। जब 7 दिन में आप उस रूट प्लान में गए तो सबको देकर के आओ ना, मुंह देकर के टीका क्यों करते हो भाई। अब तो कुछ तो इसमें और भी कि मैं, ये पंडित जी की दुकान है तो पंडित जी डिस्ट्रीब्यूटर है तो पंडित जी को पहले दे देता, उसके बगल वाले ठाकुर जी को छोड़ ही देता है, ये काम नहीं चलेगा। इसमें कोई जात पात नहीं देखनी, कोई ऊंच नीच नहीं देखना, कोई छोटा बड़ा नहीं देखना, जो है हमारे लिए सबके द्वार हमारे लिए खुले और सबके द्वार पर हमको जाना है, सबके द्वार पर हमको जाना है। जो कोई हमको, मान लीजिए किसी भी कारण से किसी की नाराजगी है, कोई भी कारण हो सकता है, उसको भी ठीक करना है। और अभी एक विषय आया था हमारे सामने कि एक्सपायरी को लेकर के, डैमेज पॉलिसी को लेकर के, उसमें जिन फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी का या जो है डैमेज का प्रश्न ज़्यादा आता है उसके ऊपर एक्सपायरी और डैमेज का भी आपको क्लेम और ज़्यादा, उसको पहले से जितना था कॉस्मेटिक के ऊपर जितना था, तो फूड वाले जिन चीज़ों में एक्सपायरी और डैमेज ज़्यादा होता है उसकी अब करीब करीब उसका डबल कर दिया गया है, वो आपको मिला जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी और उसको जो है, कई बार ये शिकायत आपकी रहती थी जी मेल के ऊपर मेल होता है उसका समाधान नहीं होता है, ये सारी 100% मैंने इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी अखिल जी को कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी विद इन 24 आवर्स आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। हो सकता है चैनल के अंदर आपको चीज़ों को जांच पड़ताल करने में 1 से 2 दिन नीचे वाली टीम को लग सकते हैं, जिस दिन अखिल जी के पास कोई भी मेल आएगी विद इन 24 आवर्स उसका सॉल्यूशन होगा। अभी हम आपसे स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम भी स्पीड में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं समझ रहे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे संज्ञान में हैं। तो 7 दिन के अंदर आपकी पहली 7 चीज़ें, 7 दिन में दूसरी चीज़ें, और फिर जो है तीसरी बात मैंने आपको बोल दी है कि कल से आपका ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा CNF लेवल से लेकर के SD से लेकर के, और उन चीज़ों का फॉलोअप करने का काम पूरी टीम करेगी। क्योंकि इस समय सारी विदेशी कंपनियां सदमे में हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेहोशी, कोमा में हैं। जब विदेशी कंपनियां कोमा में हैं, इस मंदी में इतनी तेज रफ्तार कर दो पतंजलि की चारों तरफ तुम ही तुम छा जाओ, ये काम तुमको करके दिखाना है, सीधी सीधी बात है। वो तो अभी उनको यही नहीं समझ में आ रहा करें क्या, कोई नहीं मत समझो, और तुम लोग भी जो कोमा में जाएगा फिर बाद में पछताएगा, सुन लो। ऐसा नहीं है कि हम जो है आपके कार्य को समझते नहीं है या आपके कार्य का आदर नहीं करते हैं। हमारे जितने भी SD हैं, CNF हैं, चिकित्सालय हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको भी समझता हूँ, कुछ 100% प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं,
कुछ 90, कुछ 80, कुछ 50। देखो अब जो है थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होता है तो चलता है, इतनी ज़्यादा जो अंतर है ये ठीक नहीं है। अब जो प्रश्न है चिकित्सालयों का, तो चिकित्सालयों का मैंने कहा कि आपको जैसे पतंजलि अब 5,000 करोड़ से लेकर के 2 सालों में 50,000 करोड़ की यात्रा पर जा रहा है, तो आपके चिकित्सालय भी 3 से 5 गुना बढ़ने वाले हैं। ये चिकित्सालयों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी बुलाया है। और आपको भी थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, आपको चाहे वो ब्रांडिंग वाला इशू है, चाहे आपको जो है जी डिस्प्ले वाला इशू है। अब वैद्यों की उपलब्धता को लेकर के हमने पूरा बहुत बड़े रूप में कैंपेन चला रखी है। अभी हमने 180 वैद्यों की नई नियुक्ति कर चुके हैं। 1600 वैद्यों का अभी इस महीने इंटरव्यू हो चुका है। अब इस महीने के अंत तक कोई भी चिकित्सालय हिंदुस्तान का ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुरी को वैद्य उपलब्ध नहीं है। हर कार्य में हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कि हम आप ही से रफ्तार की बात कर रहे हैं, हम उसी रफ्तार से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे ऐसा नहीं कि हमें जो करना उसमें हम कहीं पीछे हैं। आप लोग हम क्या क्या कर रहे हैं वो जरा मैं 2-3 मिनट में बता देता हूँ। हम जो कर रहे हैं वो आप जो कर रहे हो उसके साथ आप, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो संस्थान कर रहा है आपको जानकारी में तो रहना चाहिए ना। जो संस्थान कर रहा है वो मैं यदि उसको 5-7 रूपों में बड़े रूप में कहूँ तो हम करीब जो है 1500 जो हमारे अच्छे आरोग्य केंद्र उनमें भी वैद्य भेज रहे हैं, हम उनको चिकित्सालय में बदलेंगे। और हम मेगा स्टोर्स में 1500 वैद्यों की हम लोग नियुक्ति करने जा रहे हैं टोटलिटी में। अभी करीब 1000 के करीब हो जाएगी और धीरे धीरे 1500 वैद्य हम लोग करीब जो है 5,000 करोड़ रुपए का तत्काल, 5,000 करोड़ रुपए का तत्काल अभी निवेश करने जा रहे हैं। ये सब प्रोडक्शन है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। फिर इसमें आगे वर्किंग कैपिटल लगेगा वो और होगा। तो आप लोगों से तो आपको क्या रिस्क है भाई, जब हम 5,000 करोड़ का, ये तो अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और करीब इसके लिए 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का हम लोग उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जब हम 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का सब जो है एक का, और ये सब लोन के माध्यम से हम ले रहे हैं, जब हम 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का लोन के माध्यम से सारा काम कर सकते हैं, तो आप 25-50 लाख रुपए का लोन नहीं ले सकते? बहाने लगाते रहते हैं, अरे आजकल तो रिश्तेदारों के खाते में भी पैसा आ गया, उनसे ले लेना, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, अपने भाइयों बहनों से मिल जाएगा। गांव आजकल तो वो गांव के कौन से खाते होते हैं, जनधन वाले भी पैसा दे देंगे आपको। हाँ गांव में तो आजकल उनके भी खातों में 2.5-2.5-5-5 लाख आ गए। हाँ तो पैसे की भाई आपको कहाँ कमी है? हम निवेश के आधार पर, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर मैं कह रहा हूं, हम लोग आने वाले 2 वर्षों में करीब 2 से 3 वर्षों में, अभी अगले वर्ष की बात करें तो अगले वर्ष करीब 50,000 करोड़ का, अगले वर्ष के अंत तक 50,000 करोड़ का 2017 के अंत तक। और यदि हम 2020 तक की बात करें, थोड़े बड़े विजन की, तो 2020 तक हम 1,00,000 करोड़ रुपए का हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। क्या ये छोटी बात है? आज तक दुनिया के इतिहास में किसी भी ब्रांड ने जो नहीं किया वो पतंजलि करने जा रहा है। इतना ही नहीं, आपके जितने भी आप लोगों के साथ जो पतंजलि के साथ एसोसिएट्स हैं, हम बैंकों से आपको कम जो है दर पर ब्याज मिले उसके लिए सब बैंकों के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये बड़ी बात, बोले बाबा मिला प्रसाद अब हुई सुवाद सी। तो और इतना ही नहीं, जितने भी आपके सेल्समैन होंगे उन सेल्समैन की भी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनर्स आपको देंगे। आपके सेल्समैन की जो ट्रेनिंग है क्या होता है? कल हमारे अखिल जी बोल रहे थे मीटिंग के अंदर कि जो है वो आपका या तो जो है वो पोस्टमैन बना लेते हैं आप सेल्समैन को, या जो है उसको डिलीवरी बॉय नहीं बनाना,
क्यों? वो जाकर के ये मांगा, वो दे करके आ गया। ना उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है, ना कोई कन्विंस कर सकता है, ना बात कर सकता है। तो अकल के बिना कोई काम नहीं होता, धरती के ऊपर पत्थर फोड़ सकते हैं खाली। ये बहुत बड़ा काम है आपके सेल्समैन को ट्रेनिंग देने वाला काम। और आप एक बात याद रखो, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब आप मिनिमम आजकल गवर्नमेंट का सैलरी का स्केल क्या है जी, 6,500-7,000 में तो मजदूर नहीं मिलता। हमने तो रखे हुए करीब 25,000। आप लोग सेल्समैन रख लेते, 5,000-5,000 के सेल्समैन होते हैं, ये नहीं चलेगा।